ठीक है, नमाज पढ़ लो फिर नानू करो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार, आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो आज हो गया है जुमा और ईद ख़त्म हो गई है, तो इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप हम लोगों का ईद की थोड़ी सी झलकियाँ देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया और कैसे गुजरी, फिर उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। मेहंदी लगाने का अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर सिमई बनना शुरू हो गई है। ये दूध उबाल रही हूँ मैं अभी शक्कर के साथ, और फिर उसके बाद इसमें रंग डाल दिया है और जो काजू बादाम मैंने कल काटे थे वो डाल दिए और कटी गरी डाल दी है दूध में, और यहाँ पर मैं अपना सिमई भून रही हूँ और ये सिमई दूध के अंदर डाल दी। और ये तैयार हो गई है माशाल्लाह से, ये बड़ी वाली बेटी भी तैयार हो गई है, और यहाँ पर मेरा कपड़ा रखा है, मैं भी जा रही हूँ। माशाल्लाह नेट खट्टी, बस 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 चोट लग जाएगी किसी को। ईद मुबारक, खाने में बना ली अपनी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब बड़ी बेटी को देने जा रही हूँ। मेरे यहाँ बड़ी बेटी बिरयानी खा रही है, कैसी है बिरयानी? अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे मम्मा के हाथ की बिरयानी पसंद नहीं थी ना मम्मा, नहीं थी, अब मुझे पसंद आती है। आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? हाँ इसको रहने दीजिए। सब लोग कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ गए हैं और ये मेरे लिए रख दिया गया है तय करने के लिए, ये भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ गई हैं सिवाय मेरे, मैं अभी भी पहने हुए हैं अपना, यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। चल, और यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग हॉप स्कॉच यानी सिकड़ी खेल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इतना नीचे करके नहीं डाल सकती हैं। एक और चांस लीजिए और क्या। थोड़ा सा और हैवी चीज लाओ ना, वो टूट भी जाएगा। हाँ चलो, उस पे नहीं चढ़ना है। ओ, अब क्या करो? फिर से करो। हाँ नहीं, वन पे जाना था। वन पे हाँ। क्या कर रही हो तुम? कौन सा वाला करना है? हाँ उनको ऐसे करना है, ऐसे करते हैं। नहीं गए, अब मुझे तो अब मैं करूँगी। मेरी बारी है, कोई आराम से गया कि नहीं गया? वाली है। था बाहर। नहीं भाई, ऐसे फेंको। नहीं।
बारी। आपका आधा गया था, आधा नहीं गया था। अच्छा, बच्चियां चली गई स्कूल और मैं खा रही हूँ सिवई अपनी कॉफी के साथ। क्या नमाज पढ़ लीजिए जुहर। पिनाने जा रही है। आपको पिनाना है तो जाओ। ठीक है, नमाज पढ़ लो फिर नानो करो। कुछ नहीं, काम करना चाहिए। काम करने जाओ। क्या काम करूं? खाना खाऊं। खाना चिप्स खाऊं? ठीक है, मैं जा रही हूँ चिप्स खाने। ये देखिए कैसे खाए जा रहे हैं मखाने। ये कैसे खाए जा रहे हैं? ये थी हमारी ईद और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सिवाई बहुत अच्छी बनी थी, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ब्लॉग में अब हम जुमे का ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं खा पी के और मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी। और यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, कल रात खाना भी नहीं खाया था, तो ये मटर की सब्ज़ी बनी थी वो खा रही हूँ रोटी के साथ। आ गए स्कूल से और मैंने दोपहर के खाने में फिर वही मटर वाली सब्ज़ी और चावल खाया था। इन्होंने दाल चावल खाया था, आपने दूध पिया था और खूब सारी चॉकलेट्स खाई थी। हमारे खूब सारी चॉकलेट्स रखी थी, गई थी। हाँ, चिप्स खाया था आपने। और अब हो गई है शाम। आपका चिप्स नहीं लिया था। सुबह बेटा, सुबह जब हम लोग वहाँ स्कूल की तरफ जा रहे थे तो कहने लगे कि जो मुझे चिप्स और चॉकलेट दिला दीजिए, तो मैंने चिप्स चॉकलेट दिला के उसके बैग में रख दिया था। नहीं, घर आके फिर खाया। लंच में खाने नहीं दिया होगा मैम ने ना। हाँ, इसीलिए। और अब हो गई है शाम, 5:30 बज रहे हैं और ये बच्चे जो है तरबूज खा रहे हैं और ये मेरी चाय और छोटी की चाय। पियोगी आप चाय? मैं आपका ठंडा कर दूँ चाय, अभी ठंडा कर दूंगी। मैं नमाज पढ़ लूँ पहले, फिर ठंडा कर दूंगी। ठीक है, पंखा चला दो, ठंडा हो जाएगा फटाफट। पंखा चला दो। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये पाउडर निकाल लिया खूब सारा इसमें और लगाया जा रहा है। नहीं बस, नहीं और नहीं मिलेगा बस। नहीं, आप सुंदर नहीं लग रही हैं। लग रही हो सुंदर? नहीं, सुंदर नहीं लग रही हो। हाँ, छुपा दिया मैंने, मैंने पाउडर छुपा दिया, अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तुमको। मुझसे आंखें बंद करवा के मेरे ऊपर भी पाउडर लगाने लगी। और मेरा चश्मा मुझको पहनाया जा रहा है। निकल गए वहां से। एक दिन ये ऐसी छुप गई थी यहाँ पे, नए आई बड़ी बेटी के साथ, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई है, तो मालूम हुआ इसमें छुपी हुई है। नहीं दिखा तो
निकलिए वहाँ से बेटा, वहाँ नहीं छुपते हैं गुड़िया, निकलो। और फिर इसके बाद हम लोग ने रात का खाना खाया। मैंने तो सिर्फ खीरा खाया था, मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। बच्चों को खाना खिलाया, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और हम लोग सो गए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक लिए खुदा हाफिज़, नासलामा।